स्वागत अभिनंदन पौधा प्रदान करते हैं और आपके आपका सम्मान कर रहे हैं। आज झारखंड राज्य माननीय मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल इकतीस नवंबर 2023 अभियान चलाकर जो हक और अधिकार समय लगेगा, समय कम है, ज्यादा नहीं लगा, वो हार है। झारखंड में हेमंत सोरेन की सच्चाई, बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार, जय हिंद। नई गति और नेतृत्व 2021 और 2022 श्री हेमंत आपकी एक योजना बना रही है, वो योजना का दूसरी बात बात करके पदाधिकारी आपके घर के दरवाजे में खड़े नजर आए। तालियों आप सबकी तरफ से होनी चाहिए और अच्छा नामों का ग्रामीण विकास विभाग इसी योजना के लाभों में सुचिता उनके कर्मकुल के द्वारा ये आपको प्रदान किया जा रहा है। सुकुमारी किशोर कुमारी हमारी लाभों में सावित्री बाई फुले किशोर आप सबकी तरफ से दलहन फसल के और कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग पशुपालन प्रभाग के साथ सब्सिडी पर दो बार मुख्यमंत्री पशुधन इसी योजना के तहत कार्यकारिणी मोहम्मद वकील अहमद ये सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग का ये योजना है। इस झारखंड विज्ञान पॉलिसी 2000 झारखंड वासियों को आगे बढ़ाने की और वो इनका लाभ उठा पाएंगे। बहुत बहुत राज्य के गवर्नर मोहम्मद माझी जी राजेश खुशियाँ आपकी तालियों में नजर आनी चाहिए। अगला नाम केशव सिंह मुंडा पत्र प्रदान कर रहे हैं। उपस्थित देवियों और सज्जनों मुझे आपको ये बताते हुए भी तमाम खुशी हो रही है आप सबको मालूम है और झारखंड के साथ साथ अब पूरे देश को मालूम हो चुका है कि आज का दिन कितना महत्व है। आज भगवान बिरसा मुंडा जी का जयंती दिवस भी है और आज ही के दिन हमारा ये नया राज बना और इस राज को लेने के लिए इस राज को बनाने के लिए अनगिनत लोगों की शहादत राज को पाने के लिए हुई और आज ये राज एक वीरों के राज के रूप में भी जाना जाता है। आज हमारे इस झारखंड की धरती में पूरे देश का 42% खनिज संपदा हमारे राज्य में पाई जाती है। जमीन के अंदर भी बड़े पैमाने खनिज संपदा और जमीन के ऊपर में भी अभी निरंतर आपने देखा ही कि हम लोगों ने अलग अलग माध्यमों से हजारों नियुक्तियां दी, लगभग 50,000 से अधिक निजी क्षेत्र में और 10,000 से अधिक सरकारी नौकरी हम लोगों ने दे दिया और तो और जो यहां पर हमेशा क्वेश्चन पेपर लीक होता था, लोग कोर्ट कचहरी करते रहते थे, चोरी चकारी करते थे नौकरियों में, उन सब पे काबू पाने के लिए हम लोगों ने पेपर लीक कानून को रोकने के लिए कानून भी बनाया और इतना कानून कड़ा कानून बनाया कि अगर कोई पेपर लीक करेगा तो इस तरीके से जेल जाएगा कि दोबारा वो नौकरी के लायक नहीं बचेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने कई सारे चीजें की है जो अब दिखता है, लोगों के चेहरों में दिखता है और हम यही चाहते हैं,
हम अपना प्रचार प्रसार नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं यहाँ के लोगों के, यहाँ के नौजवानों के, यहाँ के किसानों के, यहाँ के महिलाओं के चेहरे पे मुस्कान। और तो और यहाँ हर मुसीबत में, हर समस्या, आपके हर दुख में सरकार खड़ी रहती है। चाहे राज्य के अंदर कोई मजदूर की बात हो, कोई ग्रामीण की बात हो, कोई किसान की बात हो, चाहे राज्य के बाहर की बात हो। आप लोगों ने कल परसों ये खबर में सुना, उत्तराखंड में एक टनल बन रहा था, वहां 12-13 मजदूर हमारे अंदर जाके फंस गए। तुरंत हम लोगों ने यहां से पदाधिकारियों को रवाना किया और अभी सुरक्षित निकालने का उनको प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से कोरोना में हम लोगों ने अपने मजदूरों को, ये देश का पहला राज्य है जहां आप मजदूरों को मरने के लिए नहीं बल्कि सुरक्षित उनके घरों में पहुंचाने का काम किया था। तो साथियों, यहां कई हम लोगों के स्कूल आप लोग देख रहे होंगे, नए स्कूल बन रहे हैं, 80 एक्सीलेंस स्कूल हम लोगों ने बनाया, जहां प्राइवेट स्कूल के बराबर वहां शिक्षा आप लोग को दी जाएगी। आप लोगों के जो वेलफेयर के कल्याण विभाग के हॉस्टल हुआ करते थे, वो एक बार बनने के बाद कभी दोबारा उसमें रंगाई पुताई नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। भले वो टूट के गिर जाए, खत्म हो जाए, मिट्टी बन जाए, लेकिन कभी सरकार ने उसकी शुद्धि नहीं ली। लेकिन आज कल्याण विभाग पूरे राज्य के कल्याण विभाग के हॉस्टलों को पूर्ण तरीके से जीर्णोद्धार करने के काम में लगी है। और जो कल्याण विभाग के हॉस्टलों में बच्चे पढ़ते थे, रहने के लिए वहां रहते थे और पढ़ाई करते थे, अपने अपने गांव से, घर से कोई दाल लेके आता था, कोई चावल लेके आता था, कोई राशन, कोई लकड़ी लेके आता था, कोई बर्तन लेके आता था, और खुद पकाओ, खुद खाओ और खुद पढ़ो, खुद सारा काम करो। पढ़ाई क्या, पढ़ाई लिखाई क्या करेगा, दिन भर उसको खाना बनाने में लगता। आने वाले समय में हम उन योजनाओं के साथ आने की तैयारी कर रहे हैं कि उन कल्याण विभाग के स्कूलों में हम लोग चौकीदार भी देंगे और वहां पर रहने वाले बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था भी करेंगे। 5,55,000 गौरव बढ़ाने पर सम्मानित किया जाना है। आपका नवंबर 2023 तक झारखंड में आयोजित इनकी उपलब्धि के लिए झारखंड सरकार की नकद तालियां। इनकी इस उपलब्धि के लिए झारखंड सरकार ने नया रिकॉर्ड, राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और एशियन यूथ बने थे कि इन योजनाओं का शुभारंभ करने की संकेत है। ये मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगी आदरणीय। माननीय मुख्य अतिथि, माननीय राजीव, ये धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का ये चित्र नमन करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक विधत आयोजन के गवाह बन रहे हैं हम और आप। आप भी अभिवादन करें माननीय राज्यपाल महोदय का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, आप से और आप सभी यही